वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे आइए स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का सेट नंबर 3 जो कि 4 मार्च को हुआ है पेपर आज ही के दिन हुआ है 31/2/3 ये सेट हम देखने वाले हैं चलिए सेक्शन 1 एमसीक्यू यही सेक्शन हम देखने वाले हैं बेसिकली इस चैप्टर है ना इस वीडियो में देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोस्ट मोस्टल ऑफ द क्या हो सकते हैं तो कह रहा one, two, हो सकते हैं ठीक है या क्या हो सकते हैं थ्री फोर फाइव हो सकते हैं तो कंप्लीट हो, तो तो हो जाएगा है ना तो वो तो परफेक्ट उसमें चला जाएगा, उस जाएगा गैसेस वगैरह हो जाएंगे तो अब देखिए क्या होता है ओपिनियन हो है, है ना सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन फॉलोइंग टेबल ठीक है ऑप्शन दिए हैं वन टू थ्री फोर नेचुरल सोर्सेस दी है एसिड प्रेजेंट तो कौन कौन से सही है टेमेरिन टार्टरिक एसिड ठीक है है टेमेरिन में होता टार्टरिक एसिड बिल्कुल सही बात है तो यानी ये वाला सही ऑप्शन है दूसरी बात करते हैं टोमेटो में एसिडिक एसिड acid नहीं होता है ये गलत बात है एंटेस्टिंग में ऑग्जेलिक एसिड होता है क्या तो भाई एंटिंग में ऑग्जेलिक एसिड नहीं होता है नेटलिस्टिंग में एसिड होता है क्या बिल्कुल सही बात है आंट में होता है आपका क्या मैथेनोइक एसिड तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा फर्स्ट एंड फोर्थ इज द ट्रू वन नेक्स्ट सी ऑप्शन इज करेक्ट चलिए अमंग द फॉलोइंग द मेटल विद लोएस्ट डेंसिटी इज कौन सी होती है तो वो होती है बेटा लिथियम

एक्स तो की जगह आ जाएगा टू और वाई की जगह आ जाएगा यहां पर फोर है ना क्या बेटा वाई की जगह फोर आ जाएगा और आप इसको बैलेंस कर लीजिए तो बैलेंस हो जाएगी दैट्स वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट वेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से दो प्रोडक्ट फॉर्म एज तो क्या प्रोडक्ट बनता है सोडियम तो ऑक्साइड बनता है सोडियम जिंकेट बनता है जिंक हाइड्रोक्साइड जिंक ऑक्साइड तो आंसर एज सोडियम जिंकेट बनता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं सेवेंथ बड़ी सी टेबल दी है देख के घबराना नहीं होता है क्वेश्चन को चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्ट के नाम दिए हैं उनके पेरेंट एसिड दिए हैं पेरेंट वेस्ट दिए हैं नेचर ऑफ द सॉल्ट दिया है तो देखिए क्या है सोडियम एसिटेट ठीक है तो सोडियम एसिटेट में भाई क्या होगा तो पेरेंट एसिड इसका एसिटिक एसिड है सोडियम एसिटेट का बिल्कुल सही बात है पेरेंट बेस एन एच है बिल्कुल सही बात है और कह रहा है ये न्यूट्रल सोल्ट है जी नहीं ये न्यूट्रल सोल्ट नहीं है क्योंकि सोडियम जहां पे आ गया समझो स्ट्रॉन्ग बेस बनना है एसिटेट क्या होता है बेटा बीक एसिड होता है तो ये तो क्या बनना था है ना बेसिक सोल्ट बनना था है. तो ये तो गलत बात हो गई तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोडियम कार्बोनेट एस टू सीओ थ्री वेरी गुड बहुत अच्छे ठीक है पेरेंट एसिड क्या होता है एस टू थ्री होता है सोडियम कार्बोनेट का बिल्कुल हो सकता है ठीक है, दूसरा पेरेंट बेस एनएस सोडियम है तो भाई एन एच हो सकता है कोई दिक्कत नहीं और कह रहा है इसमें बेसिक है ठीक है कैसा है बेसिक होता है नेचर में ठीक तो अब देखिए बेटा यहाँ पे एन ए एच टू थ्री क्या है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में नहीं आता है क्या ऐसी बात है जी नहीं आप समझिए पेरेंट एसिड सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट ये आ रहा है तो ये तो सही बात है पेरेंट बेस एन हो सकता है बिल्कुल सही बात है तो क्या बेसिक नेचर का हो जाएगा जी हाँ बिल्कुल ये बेसिक नेचर का ही होगा ये सही है फिर भी और चेक कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड एस है ठीक है तो भाई इसका पेरेंट एसिड एस है पेरेंट बेस एन है और ये एसिडिक होता है जी नहीं ये न्यूट्रल होता है सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो जहां पे सोडियम आएगा एन हो जाएगा लेकिन एन बेसिक होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो ये क्या बेसिक होना चाहिए तो ये स्टेटमेंट भी गलत तो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट नेक्स्ट फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ वी डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम

दैट्स बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनवेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर की शेप आप जानते हैं बेटा ऐसे होता है कॉनवेक्स मिरर है ना ऐसे 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 करके तो भाई है ना और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई यहां पे इसका फोकस होता है तो इससे इधर माइनस होता है इसके इधर प्लस होता है तो आप समझिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी प्लस हो जाएगी ठीक है एंड द साइज ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस आर तो इमेज भी इधर ही बनने वाली है

और आपको मतलब ये एनसीआर की बुक में सेम डायग्राम दिया हुआ बस आपको वन टू थ्री फोर्थ करके नाम दे दिया और आपको करना था तो दैट्स वाई फोर्थ वाला कौन सा जगह बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट ड्यूरिंग बिगोरस एक्सरसाइज द एकरेंस ऑफ क्रैम्स इन द आउटर मसल ऑफ एन एथलीट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ टू तो यानी कि जो प्लेयर्स होते हैं अक्सर क्रिकेट में भी देखा होगा है ना ज्यादा रनिंग कर लेते हैं भाग भाग के रन ज्यादा लेते हैं तो क्या होता है क्रैम्प्स आ जाते हैं मांसपेशियों में खिंचाव आ आ गया, आ गया है ना क्रैम्प्स गए इस टाइप की चीजें प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर तो कह रहा है कि पायरोट कन्वर्ट हो जाता है किसमें तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इसलिए ऐसा होता है नेक्स्ट प्लांट विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर ठीक है कौन कौन से होते हैं तो राइट right आंसर है बेटा वाटरमेलन एंड पपाया नेक्स्ट की बात करेंगे

टू टाइम्स अब यहाँ पे एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेटा है ना तो यहाँ पे इस ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिया है इस बार इसने एग्जामिनर ने चलिए देखते हैं एग्जाम आर टी होता है स्क्वायर होता है बेटा ठीक है. है अब यहाँ पे समझिए जब आप एच आई को क्या कर देंगे करंट को दुगुना कर देंगे आई को दुगुना कर देंगे तो आई की जगह हमने लिख दिया टू आई और उसका हमें करना है स्क्वायर क्या करना है बेटा उसका स्क्वायर भी करना है तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी ये देखिए तो अब हम यहां पे पाएंगे क्या हो चुका है तो यहां पे हो चुका है ये है ना का स्क्वायर करेंगे तो ये आ चुका होगा क्या आ चुका है बेटा ये वैल्यू आ चुकी अब देखो पहली बार में ये आई स्क्वायर आर टी यानी वन आई आर स्क्वायर आर टी था दूसरे में देखेंगे फोर आई स्क्वायर आर टी होगी तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कितना परसेंटेज चेंज तो चेंज हुआ

मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट अदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है डायरेक्शन तो बिल्कुल okay? सही बात है कि इमेजनरी लाइन्स होती हैं और किसी एक पॉइंट पर जब टेंजेंट की जा जाता है तो वो उसको क्या करती हैं ठीक है उस फील्ड की डायरेक्शन बताती है बिल्कुल सही बात है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बट ये ये नहीं बता रहा है कि ये लाइन इसको काट क्यों रही है, इंटरसेक्ट क्यों कर रहे ठीक है थीके? तो मतलब ये बिल्कुल भी सही इसका रीजन नहीं है दोनों अपने आप में ट्रू तो दैट्स वाई ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा बी ठीक है ए इज करेक्ट आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए चलिए नेक्स्ट सोडियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिल्कुल रॉन्ग ठीक है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया अब आगे क्वेश्चन देखना नहीं जब ये गलत हो गया तो कौन सा ए इज फॉल्स दैट इज डी है ना यहां पे क्या हो जाएगा बेटा डी आंसर इज करेक्ट नेक्स्ट द एंगल थ्रू विच ए रे ऑफ लाइट बैंड ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन कह रहा है एंगल थ्रू विच ऐसा एंगल जिसके द्वारा विच रे ऑफ लाइट बैंड लाइट रे जिससे रे लाइट एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं तो बिल्कुल सही बात कही गई है ठीक है दूसरी द टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो कह रहा है कि जो प्रिज की पेक्यूलर शेप होती है उसकी वजह से ठीक है रे ठीक है उसकी वजह से क्या होता है ये रे बैंड हो जाती है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो आप ये देखिए बेटा लाइट तो जो बैंड होती है वो प्लेन ग्लास स्लैब में भी हो जाती है है ना तो ऐसा थोड़ी ना केवल प्रीज में होती है कि भाई इसी सेप की वजह से हुआ ठीक है तो आप सिंपल से समझिए कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा क्या हो जाएगा फॉल्स तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें आर फॉल्स होता हो ये दिस इज ठीक है तो इसके लिए हम जाएंगे किस क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दो हुए दो से चार हुए तो ऑलमोस्ट ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता रहता है बिल्कुल सही बात है ऐसे ही होता है डीएनए एन कॉपिंग इन्वॉल्व स्मॉल इनएक्यूरेसीज कह रहा है डीएनए एन कॉपिंग में कुछ इनएक्यूरेसीज होती हैं ठीक है तो क्या बात सही है बिल्कुल इस बात सही है ठीक है तो ए बी ट्रू है बी भी आर बी ट्रू है ठीक है लेकिन भाई वो एक से दो दो से चार हो रहे हैं तो डीएनए कॉपी में इरर के कारण थोड़ी ना हो रहा है ठीक है तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसके लिए भी हम किसके साथ जाएंगे बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे चलिए नेक्स्ट अब इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ इसी तरह दोस्तों जुड़े रहिए अपने चैनल से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में